हूँ संजीव और आप लोग देख रहे हैं सन ग्राफिक्स चैनल को। तो आज हम फ्री फायर फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। इसके लिए हम पी शर्ट ओपन कर लेते हैं। तो पी शर्ट ओपन करने के बाद हम हमारा फोटो का बैकग्राउंड ले लेंगे। ये बैकग्राउंड हम क्रॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए हम टूल ऑप्शन में जाएंगे और क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो इधर आने के बाद ये इंस्टाग्राम प्रोटेट इधर ये साइज हम लेंगे। तो ये हम कर लेते हैं टिक। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम ड्रॉ टूल में जाएंगे। ड्रॉ टूल में आने के बाद इधर हम लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और फोटो लेयर चूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा मॉडल का फोटो हम ले लेंगे। मैं पहले से ही मॉडल का फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। तो आपको फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वीडियो देख लेना, अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो ये आने के बाद हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म। तो इधर हम ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये मॉडल को थोड़ा साइड कर लेंगे। ये हो गया, टिक कर लेते हैं। तो इसके बाद हम ये मॉडल का एक कॉपी ले लेंगे और इसको ऑफ कर देंगे। मॉडल का कॉपी लेने के बाद ये जो एम्प्टी वाला लेयर है इसमें हम वाइट कर देंगे और इस वाइट वाले ऑप्शन में आएंगे और एक्स ओ आर कर देंगे। तो और एक एम्प्टी लेयर लेंगे, इसको हम ब्लू कर देंगे, स्काई ब्लू कर देंगे और इसको भी एक्स ओ आर कर देंगे। तो ये होने के बाद थ्री डॉट में हम क्लिक करेंगे और ये थ्री डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और सेव इमेज। ये इमेज सेव होने के बाद इसको डिलीट कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया। ये होने के बाद हम टिक कर लेते हैं और इधर आएंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन में और ये हमारा फैलकॉन वाला जो पेट है इसको ऐड कर देंगे। टिक कर लेते हैं। तो इसके बाद हम और एक PNG ऐड करेंगे जो AWM वाले है, वो AWM ऐड करेंगे। इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेंगे और इरेजर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसका हार्डनेस को फुल कर देंगे और साइज को थोड़ा घटा लेंगे। हाँ, ये होने के बाद ऑपोसिटी को फुल कर देंगे। ये हो गया, फ्री फायर वाला PNG है। ये होने के बाद ये फ्री फायर वाला लोगो हम ऊपर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम टिक कर लेते हैं और ये सब होने के बाद हम जो ब्लू कटआउट बनाए थे उसको लेंगे और ऐड करेंगे। हाँ, ये हो गया। इसके बाद हम इरेजर में जाएंगे और इरेजर में जाने के बाद हार्डनेस को ज़ीरो कर देंगे और ओपेसिटी को 28 इन्वर्ट कर देंगे और जो इधर से ब्लू लाइट आ रही है इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे क्योंकि देखने में ऐसे लगे लाइट आ रहा है वो हमारा मॉडल का ऊपर पड़ रहा है। तो ये साइड साइड हम कर लेंगे।
तो टिक कर लेते हैं। तो इसके बाद और एक PNG ऐड करना है। अब हम ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाएंगे और स्क्रीन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये नीचे नीचे के हिस्से में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम टिक कर लेते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद आखिरी में जो फ्री फायर बैटल ग्राउंड PNG है इसको ऐड करेंगे इधर। फ्री फायर बैटल ग्राउंड इसको ऐड करने के बाद टिक कर लेते हैं। तो ये हमारा सब कुछ हो गया है। इसके बाद हम ड्रॉ टूल में जाएंगे, ड्रॉ में क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव इमेज। तो ये फोटो सेव होने के बाद हम गैलरी में जाएंगे और हम फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम में। इधर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम कलर मिक्स वाले टूल में जाएंगे और इधर आने के बाद हम मिक्स कलर में जाएंगे। कलर में इसका सेचुरेशन को थोड़ा प्लस करेंगे और ज़्यादा नहीं 18, और लुमिनेंस को थोड़ा घटा लेंगे। और ये होने के बाद हम ब्लू वाले कलर में जाएंगे और इसको ह्यू को बढ़ा लेंगे थोड़ा। और ये होने के बाद और ह्यू बढ़ाने के बाद इसका सैचुरेशन को भी थोड़ा प्लस करेंगे और इसका लुमिनेंस को थोड़ा घटा लेंगे, ठीक है। ये होने के बाद डन।